सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिक्स वाला वीडियो अंत तक देखिएगा। सो गाइस, इस वीडियो पे वो लोग लास्ट तक बने रहे जो लोग भी कोटा के पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी अभी क्लास 10th पास आउट हुए हैं और क्लास 11th या 12th कोटा में आके यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो पे आप तभी आए होंगे जब आप डमी स्कूल के बारे में सर्च कर रहे हो, या आप भी इस कसमकस में फंसे हो कि अगर अभी 10th पास होने के बाद अगर अभी मैं कोटा चला जाता हूँ क्लास 11th और क्लास 12th करने के लिए, तो फिर मेरा बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा। क्योंकि गाइस, कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। कोई भी स्कूल एफिलिएटेड होता है किसी न किसी बोर्ड से, जिसकी मदद से आप अपना बोर्ड का एग्जाम देते हो और बोर्ड का एग्जाम क्लियर करते हो। लेकिन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं होता। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता। इसके लिए आपको किसी न किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा जो किसी न किसी बोर्ड से एफिलिएटेड हो। तो गाइस, अगर आप भी क्लास 10th पास हो चुके और क्लास 11th या 12th कोटा में आके यहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? इसलिए पढ़ना चाहते हो क्योंकि गाइस, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो गाइस 12th का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हो जैसे कि जेईई मेंस, एडवांस, नीट, उनका सिलेबस अलग होता है, उनका एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, स्कूल का एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। तो बेटर एजुकेशन के लिए आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो ताकि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके लिए आप स्कूल में नहीं पढ़ते हो 11th 12th और कोटा आके यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या कहीं भी जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। तो गाइज, अगर आप क्लास 10th पास हो चुके हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि क्लास 11th 12th आंख बंद करके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लिए और स्कूल में एडमिशन ना करवाए, वरना आप बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और गाइज, जब तक आप बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी फायदा है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो गाइज, आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है ताकि आपका स्कूल का बोर्ड एग्जाम भी हो जाए और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हो वो भी हो जाए। तो गाइज, यहाँ पे काम आता है डमी स्कूल। ये डमी स्कूल क्या होता है गाइज? डमी स्कूल उसको बोलते हैं जो कि नॉन अटेंडिंग स्कूल होता है। डमी स्कूल में आपको जाना नहीं होता है क्लास करने के लिए, बस आपको जाना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए और आपका मेन बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, बाकी आपको कहीं भी नहीं जाना होता है। ये भी एक स्कूल ही होता है। नॉर्मल स्कूल में भी डमी स्कूल एक्सेप्टेड होता है, कोई कोई डमी स्कूल भी होता है, ठीक है। तो डमी स्कूल में क्या होता है कि आपसे पूरा फी वगैरह सब कुछ लिया जाता है, लेकिन बस आपको इतना इजाजत दिया जाता है कि आप क्लास करने नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपना प्रैक्टिकल और आपको अपना एग्जाम देने आना है, और आप जो पढ़ाई है अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां भी पढ़ना चाहते हो वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आप डमी स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो गाइस, जब आप क्लास 10th पास हो जाते हैं तो आप अपने गांव में या अपने शहर में ही आसपास किसी भी स्कूल में जाइए और वहां पे बात कीजिए कि मुझे नॉन अटेंडिंग स्कूल ज्वाइन करना है। अगर स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल अगर एक्सेप्ट करते कि हाँ मैं एडमिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 2-3 स्कूल में घूमेंगे तो कोई ना कोई आपको डमी स्कूल मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर गांव शहर में हर जगह पे डमी स्कूल एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। आप वहां पे जाइएगा तो वो सब कुछ हो जाता है। तो उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। हर जगह स्कूल अवेलेबल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्कूल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। डमी स्कूल मतलब वैसे कोई सेपरेट नहीं होता, मुझे जैसा कि लगता है, मतलब स्कूल के ही अंदर होता है कि आप वहां पे जाके बात करोगे कि मुझे बाहर जाना है, वहां पे पढ़ाई करना है, लेकिन मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, इसके कारण मुझे नॉन अटेंडिंग स्कूल चाहिए, तो वो लोग कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो ये चीज आप अपना गांव शहर में देख लीजिए, अगर गांव शहर में ही आप ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपने स्टेट में नहीं ले पाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप कोटा के भी यहां के भी डमी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। कोटा में भी बहुत सारे डमी स्कूल्स होते हैं। अब यहां पर आकर आप डमी स्कूल कैसे सर्च करोगे, तो इसका भी आंसर है मेरे पास। तो गाइस, यहां पे आने के बाद आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो तो जो भी हेल्प डेस्क पे टीचर या मैडम बैठी होंगी आप उनसे सीधा बात कीजिए कि मुझे डमी स्कूल भी ज्वाइन करना है ताकि मैं अपना बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर सकूं। तो वो लोग भी आपको सजेस्ट कर देंगे कि भाई आप इस स्कूल में चले जाओ, या आपको एड्रेस बता देंगे कि आप इस स्कूल में जाकर डमी स्कूल में एडमिशन ले लो। तो बहुत ही आसान सा स्टेप होता है अगर आप भी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और क्लास 10th के बाद 11th 12th में कोटा आके यहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो डमी स्कूल में जरूर एडमिशन करवा लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है। बोर्ड एग्जाम आपका पहले देखा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाद में देखा जाता है, ठीक है। तो चाहे आप जेईई मेंस का तैयारी करते हो, IIT या नीट जो भी हो, दोनों का एग्जाम पैटर्न भी अलग होता है। स्कूल का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो पूरा डिफरेंट होता है IIT जेईई या नीट से। इसी के लिए बच्चे लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11 12th में कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ते हैं ताकि पहले अटेम्प्ट में ही उनका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो गाइज, डमी स्कूल के बारे में आई होप कि जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपके टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।